मूसलाधार बारिश का कहर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे सहित समूचे कोंकण में देखने को मिला। हर नदी उफान पर है तो सड़कें बाढ़ के पानी के नीचे चली गई हैं। बाढ़ के पानी की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी बीच महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। मुंबई, नवी मुंबई सहित समूचे कोंकण में हुई मूसलाधार बारिश ने हर इलाके के जनजीवन को प्रभावित कर दिया। एक तरफ जहां पनवेल के निचले इलाके में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, वहीं जगबुड़ी और सावित्री नदी में आई बाढ़ की वजह से महाड़ के बाजार गली में भी बाढ़ का पानी घुस आया, जिससे शहर के व्यापारियों को अपने दुकानों में भरे सामान को सुरक्षित जगह पहुँचाने की कवायद करनी पड़ी। इस दौरान महाड़ नगर पालिका द्वारा नागरिकों को सतर्क रहने का आह्वान किया गया। वहीं नवी मुंबई में भी बारिश का कहर देखने को मिला। जगह जगह सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आई, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही धीमी गति से होती रही। उधर उल्लासनगर, अंबरनाथ और बदलापुर में भी मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस आया था तो अंबरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर में भी बाढ़ का पानी भर गया था। इस दौरान बाढ़ की वजह से महालक्ष्मी एक्सप्रेस जो वांगनी और बदलापुर के बीच रोक दी गई थी, उस ट्रेन के यात्रियों का करीबन 15 घंटों बाद शनिवार दोपहर को रेस्क्यू किया गया। इधर पनवेल के ग्रामीण इलाके में भी बारिश के पानी ने हाहाकार मचा दिया। कई पुल पानी के नीचे गए, जिसकी वजह से गांवों का संपर्क टूट गया था। कुल मिला के शुक्रवार की मूसलाधार बारिश ने सभी के दिलों में खौफ पैदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, करनाला टीवी।